अस्सलाम वालेकुम इज़ वेलकम बैक जी टी ए फाइव और क्या हाल चाल है भाइयों आप लोगों का तो जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अगर आप मेगा रैम वाली जो मैं एपिसोड लेके आया हूँ हर विकेट पे लेके आऊँगा अगर आप उसके ऊपर अच्छा रिस्पांस दिखाएंगे तो मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा तो इतना ज़्यादा स्पोर्ट तो नहीं बस थोड़ा नॉर्मल स्पोर्ट ही आप लोगों ने दिखाया है बस तो इस वीडियो पर आपने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है ठीक है और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करना है ठीक है ना जितना हो सके दबा के लाइक कर दो और पिछली वीडियो पर भी आपने बस थोड़ा बहुत ही सपोर्ट दिखाया लेकिन इस वीडियो पर ना ज़्यादा सपोर्ट दिखाया क्योंकि भाई इस वीडियो पर थोड़ा सा मेहनत लगा है ठीक है ना और इस बार की तरह भी हमारे साथ काला है अभी पता नहीं कहीं मसरूफ़ है मोबाइल पर है काले ओ ओ हाँ जी 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 इस दफ़ा भी भाई मैं साथ ही उनके वैसे टोडा टोला वालों ने ना पिछली दफ़ा उनकी सही फटी थी इस दफ़ा उन्होंने सारा अरेंजमेंट उन्होंने करवाया है हाँ तो हम तो सिर्फ बस गाड़ियों की टेस्ट करेंगे और अभी चलते हैं मैं बस ये कॉफ़ी पी रहा था और ऊपर से आप लोगों को पता है कितनी गर्मी है पसीना आप लोग देख सकते हैं कितना मुझे पसीना आया हुआ है तो यहाँ पर जो मेगा रैम अब होने वाला है यहाँ पर अब ज़्यादातर तो टोटा वालों की गाड़ियाँ होंगी ठीक है कुछ और कंपनीज़ की भी गाड़ी होंगी आ, उसमें होंडा की हो सकती है और हाँ मज़े की बात कुछ और भी गाड़ी है जो कि आप लोगों को मैं कहता हूँ हैरान कर देगी सच में यार क्यों काले हाँ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल हैरान कर देगी चलो जी कॉफ़ी ख़त्म करते हैं और भाई निकलते हैं फिर क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है और आप लोगों को दूसरा मैं आपको बता दूं कि यार शोरूम का थोड़ा सा मसला बना हुआ है आप लोगों को पता है यार गवर्नमेंट की जगह में आ चुका है चले ये तो बात का टॉपिक है यार अभी सीधा चलते हैं गाड़ियाँ टेस्ट करते हैं उसके बाद भाई फिर कुछ हल्ला गुल्ला भी करेंगे चलो आ जाओ काले बस कर दो यार मोबाइल की जान छोड़ दो ओ मैं कह भाई वैसे वैसे लगा हुआ था ना वो थोड़ा टिकटॉक यूज़ कर रहा था मैं कहा आप लोग बात कर लें इनसे हाँ चलो बात कर ली है तो चलें जी गाइज चलते हैं फिर एयरपोर्ट अब वहाँ पर जितना भी इंतज़ाम करवाया है वो करोला वालों ने ही करवाया है अब जारी बात है यार करोला वालों को थोड़े से उठाने पड़ते हैं और यहाँ पर भी हम इस टाइम लेके आए फॉर्चूनर तो ये फॉर्चूनर वहाँ पर भी जारी बात है टेस्ट के लिए खड़ी है ऑलरेडी खड़ी है अहम है भाई ये उन्होंने आपको दे दिए अबे नहीं नहीं यार ये किसी दोस्त से पकड़ी है मैंने जारी बात है उनको उठाने पड़ते हैं ना समझा कर ओ अच्छा 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 तो इस दफ़ा भी भाई कैमरे शैमरे लगे हो रहे हैं ठीक है सारा इंतजाम उन्होंने करवाया वीडियो हमारी चलेगी भाई पिछली दफ़ा भी बहुत अच्छा रिस्पांस आया था शोरूम पर काफ़ी गाड़ियां हमारी सेल हुई हैं और इसके साथ साथ काफ़ी गाड़ी टोयोटा की अब आने वाली है हमारे शोरूम पर सही बात है ना कि उनका हमने इतना बड़ा काम करना है क्यों कहा आजी जी मैकल भाई जी जी सही, सही कह रहे हैं तो चलते हैं यार फिर से आ, टेस्ट करते कौन सी गाड़ी भाई इस दफ़ा चल पाएगी और इस दफ़ा जो भी सीन किया ना सारा का सारा सीन वो टोटा वालों ने ही किया यानी कि मैंने कुछ नहीं किया उसके अंदर ठीक है ना मेरा कोई हाथ नहीं है इस दफ़ा जितना भी अरेंजमेंट है वो टोटा क्रोला वालों ने ही करवाया है वैसे माइकल भाई अजीब ही है अगर इस दफ़ा भी टोटा वाले हार गए तो भाई उनके तो एल लग जाएंगे नहीं नहीं भाई इस दफ़ा वो नहीं हारेंगे क्योंकि उन्होंने जो जितना भी रैम्प वगैरह वो अपने हिसाब से तैयार करवाया है ना समझ रहे हो अच्छा 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 बड़े फिर वो किस्म के इंसान निकले ये तो माइकल भाई इस साइड से जाना है हाँ हाँ इस, इसी साइड से जाना है माइकल भाई पंजाब पुलिस पंजाब पुलिस इधर क्यों खड़ी है खैरियत तो है पता नहीं पता नहीं चले जाने दे जाने दे अभी रोका नहीं इन लोगों ने चलो अच्छी बात है यार रोका नहीं इन लोगों ने ये ना हो होम ही मुफ्त करना कोई केस ना ठोक दे हमारे ऊपर ठोकते यार चले जी हम फाइनली एयरपोर्ट पे आ चुके हैं और मैं खुद देखने के लिए बेताबू कि इस दफा का रैंप कैसा होने वाला है क्योंकि पिछली दफ़ा जो करवाया था वो थोड़ा सा मैंने करवाया था उसके अंदर मुझे पता था क्या क्या सीन होने वाला है लेकिन इस जगह का मुझे नहीं पता किस टाइप का रैंप होने वाला है और आप लोग देख सकते हैं यार ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक रैंप है ओ माइकल भाई ये क्या कर रहे हैं ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है रैम्प ओ वही तो मैं भी देख रहा हूँ ये टोटा करोला वाले कार क्या रहे भाई सीधा तो गाड़ी चढ़ी नहीं है इस तरह कैसे गाड़ी जाएंगी ए कुछ कुछ हो सकता है माइकल भाई चढ़ भी सकती है चलो देखते हैं भाई कौन कौन सी गाड़ियाँ हमारे पास खड़ी हैं इधर ओए oh, माइकल भाई ये तो बहुत बड़ा रैंप है हाँ हाँ भाई कुछ ज़्यादा ही बड़ा है ओके okay, तो गाड़ियाँ काफ़ी खड़ी हैं वही है काले वो हाँ माइकल भाई गाड़ियाँ तो काफ़ी इधर खड़ी हैं चलो जी गाड़ी इधर रोकते हैं और देखते हैं भाई कौन कौन सी गाड़ी भाई इधर है एक सेकेंड एक सेकेंड माइकल भाई मुझे भी आने दे हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ ओ भाई ये रैंप देख सकते हैं भाई कितना बड़ा है और काले देख रहा रैंप ओ जी जी माइकल भाई देख रहा हूँ देख रहा हूँ काफ़ी टेढ़ा रैंप है तुझे क्या लगता है कोई गाड़ी चल पाएगी इसके ऊपर या नहीं हैं मैं कल भाई देखते टोटा क्रोला वालों ने करवाया देखते भाई कौन सी क्रोला गाड़ी पर जा सकती है तो चले जी देखते कौन कौन सी भाई गाड़ियाँ आई है हमारे पास तो यहाँ पर जी पहली जो गाड़ी है हमें नजर आ रही है वो है टोटा क्रोला की जी भाई बहुत जबरदस्त और बहुत पायदार गाड़ी है ये वाली और मेरे ख्याल से पूरी की पूरी स्टॉक हालत में खड़ी है ठीक है कोई मॉडिफिकेशन नहीं इसके अंदर हुई और काले साइड पे हो जाना क्या कर रहा है ओह वाइकअ बाई वाइकअप मैं भी, भी देख रहा था अच्छा साइड पे हो जाना और इसके बाद फिर से यार वही खड़ी है टोटा करोला एक्स देखते हैं भाई इस दफ़ा ये क्या कर पाती है या नहीं और इसके साथ साथ करोला का पुराना मॉडल खड़ा है और आई थिंक ये मॉडिफाई नहीं है मैं पहले आप लोगों को बता दूँ ये वाली गाड़ी पूरी मॉडिफाई नहीं है सिर्फ इसके ग्लास वगैरह चेंज है ये करोला वालों ने मैंशन किया हुआ था और टायर वगैरह इसके और इसके ये या ये ग्लास वगैरह ये थोड़े से उन्होंने ब्लैक किए हुए हैं मॉडिफाई नहीं है मैं पहले रिपीट कर रहा हूँ ठीक है ना बाद में आप लोग कमेंट में कह देते हो कि ये मॉडिफाई है और उसके साथ साथ फिर से हमारे पास लैंड क्रूजर है जो कि विन हुई थी पिछली दफ़ा और इसके साथ साथ फोच्यूनर भाई क्या बात है देखते हैं भाई ये क्या कर पाती है या नहीं और उसके साथ साथ भाई हाई लैंडर ओके तो एक न्यू गाड़ी आई है ये भी टोयटा वालों की है और ये हमारे शोरूम पर भी खड़ी है जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं ये भी पिछली दफ़ा धोखा दे गई थी क्यों कह रहे अजी जी बैगर पर धोखा देगी थी और इसके साथ साथ विड्स करिए और सबसे हैरान कन बात जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता था भाई सुजुकी वालों ने भी भेजी है हाँ जी चेक कर रहे हो सुजुकी वालों ने अपनी वैगनार भेजी है ओए अच्छा अच्छा ये आप आप कह रहे थे सरप्राइज है हाँ जी तो भाई देखते क्या सुजुकी की गाड़ी चढ़ पाएगी क्योंकि भाई मेहरान ने पिछली दफ़ा हमें नाराज नहीं किया था थोड़ी बहुत तो चली थी कुलला ने नाराज़ किया था वैसे माइकल भाई कोई सीन ना क्रिएट हो जाए नहीं नहीं कोई सीन क्रिएट तो नहीं होता बाकी भाई चढ़ भी जाए थोड़ी सी भी चढ़ जाए तो भाई बस हम हमें इतनी उम्मीद है इससे और उसके साथ साथ कल्टस भी आया है यार हाँ जी भाई पाकिस्तान में ये भी बहुत पसंद की जाती है और आप लोगों की फेवरेट गाड़ी भाई आल्टो भी खड़ी है फाइल यार हमने कहा चलो आल्टो को भी लेके जाते हैं और ये तीन गाड़ियाँ और यार काले साइड पर हो जाना ओ है सॉरी सॉरी तो ये तीन गाड़ियाँ भाई सुजुकी वालों ने भेजी हैं और स्पेशली उन्होंने कहा कि ये तीनों गाड़ियाँ आप अपने शोरूम पर भी लगा सकते हैं यानी कि ये तीनों गाड़ियाँ हमें फ्री में मिली हैं वाह यार ज़बरदस्त हो गया यार सुजुकी वालों थैंक यू और इसके साथ साथ हमारे पास एक अदर गाड़ी है यार आप लोगों को पता यार ये तो पिछली दफ़ा विन हुई थी ये है जी होंडा सिटी तो होंडा सिटी बिल्कुल स्टॉक हालत में है। मैं फिर से इसलिए कह रहा हूँ कुछ लोग कमेंट में कह रहे होते हैं कि आप मॉडिफाई गाड़ियों को लेके ऊपर चढ़ा देते हैं और कुछ गाड़ियाँ आप अपनी मर्जी से चढ़ा देते हैं और कुछ गाड़ियाँ आप अपनी मर्जी से नीचे गिरा देते हैं तो ऐसा सीन नहीं होता भाई आपके सामने ही मैं गाड़ियाँ चढ़ाऊँगा और इसके साथ साथ एक और गाड़ी है ये थोड़ी सी कौन सी है ओह तो भाइयों ये खड़ी है शराड और ये कौन लेके आ गया भाई शराड है माइकल भाई ये तो जापानी गाड़ी है ना हाँ हाँ भाई जापानी गाड़ी है चलो कोई बंदा छोड़ गया होगा लगता है चलो इसे भी टेस्ट कर लेंगे आ, चले चले शराड वैसे विन करेगी भाई हाँ तो भाई ये भी पाकिस्तान में काफ़ी पसंद की जाती है गाड़ी शराड चले भाई तो स्टार्ट करते हैं जी टोटा करोला जी से बिल्कुल स्टॉक हालत में है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ पूरी की पूरी गाड़ी और ये चेक कर सकते हैं भाई बिल्कुल स्टॉक हालत में है कोई मॉडिफिकेशन नहीं करवाई तो चलते हैं देखते हैं क्या ये गाड़ी चढ़ पाएगी या नहीं उम्मीद तो फुल है मुझे ये गाड़ी चढ़ पाएगी क्योंकि ये काफ़ी ढीर गाड़ी है तो देखते हैं भाई ओके तो स्टार्ट तो अच्छा लिया है और आप लोग देख सकते हैं दूसरे गेयर दूसरी या पहले गेयर के ऊपर आराम से उनसे जा रही है और हम यहाँ पर यह भी देखेंगे कि फिसलन तो नहीं होती गाड़ी में तो अभी तो इतनी ज़्यादा फिसलन नहीं हो रही ठीक ठाक जा रही है बिल्कुल पहले या दूसरे गेयर के ऊपर जा रही है बिल्कुल मक्खन की तरह जा रही है ओके तो ये गाइस आप लोग चेक कर सकते हो कि मैं कोई वो वो गाड़ी को ऊपर लेके नहीं जाता क्योंकि मैं सारी की सारी गाड़ियों को लेके जाता हूँ अब कुछ लोग कमेंट में कह रहे होते हैं कि यार ये बंदा के कुछ गाड़ी को गिरा देता है कुछ गाड़ी को ले जाता है तो भाई ऐसा कोई सीन नहीं होता तो आप लोग देख सकते हैं भाई आराम से जा रही है दूसरे गेट के ऊपर जा रही है थोड़ा सा मसला बन रहा है करोला को थोड़ा सा है पावर यानी कि ना ले रही है लेकिन फिर भी जा रही है बिल्कुल स्ट्रॉक हालत में ओके okay, तो ये तो चली गई है अच्छा ग्रिप अच्छी है इस इस गाड़ी की ना ग्रिप अच्छी है आप लोग देख सकते हैं ना ओके okay, तो फाइनली टोयोटा जी एल आई जो कि डीठ गाड़ी काफ़ी ज़्यादा है यार पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है खड्डे में ले जाओ जहाँ मर्ज़ी ले जाओ भाई ये गाड़ी चलती है तो भाई पहली गाड़ी आ चुकी है जी आई और मुझे यकीन था ये गाड़ी आएगी क्योंकि काफ़ी पाकिस्तान में भी ये गाड़ी पसंद की जाती है पहाड़ी इलाकों में इस गाड़ी को लेके जाया जाता है मरी वग़ैरह में तो चले जी नेक्स्ट गाड़ी को टेस्ट करते हैं जी नेक्स्ट गाड़ी कौन सी पहुंच पाएगी यहाँ पर हो oh माइकल भाई मक्खन की तरह गई है हाँ हाँ भाई मक्खन की तरह ही जानी थी जारी बात है ये टोटा करोला वाला ही करवा रहे हैं ना भाई स्पॉन्सरशिप टोटा करोला वालों ने की हुई है ना ओके गाइस तो फाइनली हमारे पास टोटा करोला एक्स आ चुकी है और देखते हैं भाई क्योंकि पिछली दफ़ा इस गाड़ी ने धोखा दिया था हमें और ऊपर तक नहीं गई थी तो इस टाइम देखते हैं क्या ये गाड़ी ऊपर चढ़ पाएगी या नहीं तो चले जी देखते हैं टोटा करोला वालों अगर ये ना गई ना तो भाई फिर बस पीड देख ले रहा यार तो ओके स्टार्ट तो अच्छा लिया है और ये भी गाड़ी जा रही है जा रही है बिल्कुल भाई मक्खन की तरह जा रही है दूसरे गेयर के ऊपर और आप लोग स्पीड भी देख सकते हैं ओके तीसरे गेयर के ऊपर भाई सही है यानी कि जा रही है पावर है इस गाड़ी के अंदर ओके यानी कि आप लोग देख सकते हैं टायरों के ग्रिप भी इस गाड़ी की अच्छी है और ऊपर आराम सुकून से जा रही है ये गाड़ी और मुझे उम्मीद है कि ये गाड़ी चढ़ पाएगी सारी बात है टोटा करोला वालों ने अरेंज करवाया सारा कुछ तो जानी तो चाहिए ना अगर ये भी ना गई तो भाई फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है टोटा करोला वालों का ओके तो जा रही है ओके तो पहले इधर थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इशू आया है क्योंकि चढ़ने में थोड़ा बहुत आया है ओके तो आगे से आप लोग देख सकते हैं क्योंकि थोड़ी सी वो लगे हुए थे तो बंपर वगैरह अगला थोड़ा सा फारिक हो चुका है तो बाकी तो पहुंच गई है भाई तो टोटा करोला वालों भाई मज़ा करा दिया तो ये भी गाड़ी पहुंच चुकी है ऊपर और ये गाड़ी कोई मॉडिफ़ाई नहीं है मैं पहले कह दूं अब लोग कहेंगे कि ये गाड़ी मॉडिफाई थी तो भाई मॉडिफाई नहीं है बिल्कुल स्टॉक हालत में रही थी, ठीक है और इसका आप लोग बम्पर देख सकते हैं कि थोड़ी सी खराश आई है इतनी ज़्यादा खराश नहीं आई लेकिन इसका अगला बम्पर बिल्कुल फारिक हो चुका है ओके जी अब दूसरी गाड़ी आ चुकी है टोटा वालों की तो इसे भी टेस्ट करते हैं मैं पहले रिपीट कर लूँ कि ये मॉडिफाई नहीं है ठीक है इसके सिर्फ शीशे ब्लैक है ठीक है ना तो मैं आपको अंदर से इसका इंटीरियर वगैरह भी दिखा देता हूँ तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं तो लेट्स सी देखते हैं क्या ये भी चढ़ पाती है या नहीं तो देखते हैं ये कौन से गेयर पर जाती है तो फिलहाल थोड़ा सा मुश्किल हुआ है इसके लिए थोड़ी सी स्लो है आप लोग देख सकते हैं ना थोड़ी सी यानी कि टायरों की के इसकी ग्रिप जो टायरों की है ना वो इतनी खास नहीं है क्योंकि जो पहली करोला थी वो थोड़ी सी बेस्ट थी तो अभी देख सकते हैं दूसरे गियर पर अभी नहीं गई पहले गियर अब लगता है दूसरा गियर लगा है इसका ओके ओके तो मुश्किल हो रही है भाई इसे मुश्किल हो रही है इसे मुश्किल हो रही है चढ़ने में देखते हैं भाई तो देखते हैं थोड़ी सी रह गई है भाई थोड़ा सा रह गया थोड़ा सा रह गया टायरों की ग्रिप इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि जो पहली करोला थी वो तो भाई मक्खन की तरह गई है लेकिन ये वाली भाई थोड़ा सा इसे मुश्किल पेश आ रही है और पहले गेयर पर आ रही है फिर दूसरे पर जा रही है फिर पहले पर आ रही है फिर दूसरे पर जा रही है ओके तो थोड़ा सा ही रह गया है थोड़ा सही रह गया थोड़ा सही रह गया ओके तो फाइनली पहुंचने वाली है ओके तो ये भी फाइनली पहुंच चुकी है ओके तो जैसे कि आप लोगों को पता है थोड़ा सा आ, मुश्किल पेश आई है इस गाड़ी को ऊपर चढ़ने में ओके तो बस मुश्किल से पहुंची है ये वाली गाड़ी कह लेना क्या मक्खन की तरह गाड़ी नहीं गई आगे से भी इसका थोड़ा सा बम्पर थोड़ा सा लगा इतना ज़्यादा नहीं लगा ए, मैकल भाई मैकल भाई हाँ हाँ क्या बात है मैकल भाई इस गाड़ी को थोड़ा मसला नहीं आया हाँ हाँ मसला तो आया है चले अगली गाड़ी मैं टेस्ट करूँ हाँ कर ले कर ले वैसे, वैसे 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 कलमा शर्मा पढ़ के चढ़ूंगा मैं हाँ हाँ कर ले कर ले कोई इशू वाली बात नहीं कर ले भाई मुझे भी गाड़ी मिल गई लैंड क्रूजर चलाने का तो आगे थोड़ी बड़ी गाड़ी है ना ये तो चलेंगी ओके ये लैंड क्रूजर मैं ही टेस्ट करूँगा ओके जनाब तो ये है जी लैंड क्रूजर पिछली दफ़ा ये चढ़ गई थी लैंड क्रूजर वी एक्स आर वी एट ओके जी तो देखते हैं जी ये चट बाती है नहीं क्योंकि पिछली दफ़ा इसी ने साथ दिया था भाई तो टूटक रोलो वालों का ओके जी तो जा रही है जा रही है ओ भाई ओ मुझे तो चक्कर लग गए ओके जा रही है दूसरे गेयर के ऊपर है ओके पहले गेयर के ऊपर फिर से आ गई है ये इनकी ना पावरफुल गाड़ी है ये V8 जो है ना ये पावरफुल गाड़ी है और ये चढ़ रही है आप लोग देख सकते हो तो टायरों तो की ग्रिप काफ़ी अच्छी है देखो मैं छोड़ रहा हूँ और ब्रेक भी लगा रहा हूँ तो यानी कि फिसल नहीं रहे इसके टायर और जाएगी जाएगी ये जाएगी मक्खन की तरह जाएगी हाँ जी जा रही है जा रही है जा रही है ओके तो फाइनली लैंड क्रूजर V8 पहुंच चुकी है और आगे से मैं आप लोगों को दिखा दिखाता तो हूँ भाई कुछ भी नहीं हुआ इस गाड़ी को हाँ जी गाड़ी पावरफुल है ये V8 ओके जी तो सेकंड गाड़ी देखते हैं भाई कौन सी है अरे यार मज़ा आ गया वैसे मुझे तो यही था कि भाई मैंने नीचे गिर जाना है ओके जनाब तो सेकेंडली गाड़ी आ चुकी है हमारे पास टोईटा की फोरचूनर आप लोगों को दिखा देता हूँ पीछे शीशे से ये ना आप कहना कि भाई किसी और की किट लगा रहा है ये चेक करो टू पॉइंट एट है और चेक करते हैं इस गाड़ी को क्योंकि भाई ये गाड़ी मैं पहली दफ़ा ले कर ऊपर जाने लगा हूँ पिछली दफ़ा ये गाड़ी नहीं थी इस दफ़ा टोयोटा वालों ने इसे सेंड किया है तो चले जी देखते हैं ये गाड़ी चढ़ पाएगी या नहीं होपफुली चढ़नी तो चाहिए ना भाई फोर्चूनर है भाई ओके तो चढ़ रही है चढ़ रही है जा रही है जा रही है ओके okay, टायरों की ग्रिप भी अच्छी है ओके okay, ओके okay, थोड़ा थो, थो, थोड़ी सी यानी कि पावर लग रही है इस गाड़ी को लैंड क्रूजर की नस्बत ना इस गाड़ी को थोड़ी सी ना पावर लग रही है ओके okay, जाओ जाओ भाई क्या कर रहे हो ओके okay, ओके okay, जाने दो जाने दो भाई जा रही है जा रही है थोड़ा सा जोर लग रहा है इस गाड़ी को आप लोग देख सकते हो पहले गियर के ऊपर है दूसरे गियर पर अभी तक नहीं गई है अभी चाड़ी अब दूसरा गियर लगा आप लोग देख सकते हो और जा रही है जा रही है इसे मैं लेके जाऊंगा ऊपर टायरों की ग्रिप बस कह लो फिफ्टी फिफ्टी है इसकी इतनी ज़्यादा अच्छी है नहीं है लैंड गुजर की नस्बत और चढ़ाई में भी आपके सामने ही है पहले गियर के ऊपर दोबारा से गाड़ी आ चुकी है ओके कमान ओके अभी दूसरा गेयर नहीं लगा अब दूसरा गेयर लगा है ओके आ चुकी है आ चुकी है ओके तो ये गाड़ी भी आ चुकी है तो आगे से आप लोग देख सकते हैं सिंपली सिर्फ इसका जो अगला बोनट है वो ऊपर खुला है और बाकी मुश्किल से पहुंची है ये गाड़ी ओके जनाब तो सेकेंडली गाड़ी आ चुकी है हाई लैंडर ओके टोटा वालों की ये भी है टेस्ट करते हैं ये थोड़ी सी महंगी गाड़ी है यार पाकिस्तान में थोड़ी सी कम भी यूज़ की जाती है लेकिन चले टोटा वालों ने सेंड कर दिया तो भाई टेस्ट तो करनी पड़ेगी ना ओके तो आगे से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ फ़िलहाल की गाड़ी तो बिल्कुल फिट है ओके जी तो ये जी चढ़ा दी मैंने ओके okay, आगे से आप लोग देख सकते हैं इसकी वाट लग चुकी है ओके 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 देख रहा हूँ दूसरे गेट के पर आ चुकी है अब ये फोर्चूनर से थोड़ी सी बेस्ट गाड़ी है क्योंकि ये दूसरे गेट पर आ चुकी है और ये आराम से यानी कि इसे जोर लगने की अब फिर से पहले कि यार क्या अभी करा रहा है ओके okay, क्योंकि चढ़ाई अब आई okay, तो है ना ओके तो जा रही है जा रही है बिल्कुल स्मूथ तरीके से जा रही है ओके ओके जा रही है दूसरे गेट पर आई है अभी भाई यार मुझे तो चक्कर आ रहे हैं अब अगली दफ़ा मैं लोग कहूँगा भाई ओके तो टायरों की ग्रिप आप लोग कह सकते हैं बस थोड़ी सी है अच्छी है फॉर्चुनरस से तो अच्छी है क्योंकि उसकी थोड़ी सी इतनी अच्छी ग्रिप नहीं थी ओके फिर से पहले गेयर के ऊपर आ चुकी है ये गाड़ी और ये भी पहुँचने वाली है गाड़ी ओके ओके तो फाइनली ये भी पहुँच चुकी है ओके जनाब तो ये भी गाड़ी पहुंच चुकी है होपफुली फुली टोटा वालों की सारी गाड़ियां पहुंच चुकी है लेकिन यार आगे से आप लोग देख सकते हो ना आगे बस ना थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा इनको क्योंकि बम्पर की ना वाट लग जाती है इसकी भी वाट लगी है इसकी भी वाट लगी है और ये सामने वाली सिर्फ ये भाई जी एल आई ये ये बाई इसने सेट किया सीन चलो यार तो नेक्स्ट गाड़ी हमारे पास फिर से आ चुकी है लैंड क्रूजर और मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ ये कौन सा वैसे वेरिएंट है लैंड क्रूज़र का मुझे देखने दो ओके ये वलाड है वी एट लैंड क्रूजर तो देखते हैं पिछली दफ़ा इस गाड़ी ने तो धोखा दिया था ये गाड़ी नहीं चढ़ पाई थी पिछली दफ़ा और इस दफ़ा तो भाई टोटा वालों की सारी गाड़ियाँ गई हैं ऊपर बस धक्का से ही गई हैं और सही तरीके से तो नहीं गई जैसे मेरा दिल था वैसे नहीं जा रही लेकिन बस धक्का स्टार्ट से जा रही हैं ओके तो इसमें भी वी का ही इंजन लगा हुआ है और देखते हैं भाई ओके तो फ़िलहाल की गाड़ी तो जा रही है ऊपर और पहले गियर के ऊपर यह गाड़ी अभी फ़िलहाल की गाड़ी और टायरों की ग्रिप कह लें कि थोड़ी सी नॉर्मल है इसकी क्योंकि ये स्लिप हो रहे हैं ओके ओके जोर लग रहा है इस गाड़ी को इस गाड़ी को जोर लग रहा है ओके okay, ओके okay, तो भाई जानी तो चाहिए भाई भाई क्या हो गया आप लोग देख सकते हो काफ़ी जोर लग रहा है इस गाड़ी को यार लेकिन नहीं चढ़ पा रही लेकिन मैं आपको ऊपर इस गाड़ी को लेके जाऊंगा आप लोग देख सकते हो यार फुल मैंने रेस दी हुई है ऊपर की बजाय ये गाड़ी नीचे जा रही है तो आप लोगों के सामने है भाई चलो एक दफ़ा पीछे करके फिर से मैं ऊपर ले जाने की कोशिश करता हूँ जानी तो चाहिए यार इसके अंदर भी वी एड का इंजन लगा हुआ है ओके तो लगता है ये फेल्ड हो चुकी है ये गाड़ी गाइस फेल्ड हो चुकी है ये ऊपर नहीं जा पा रही आप लोग देख सकते हैं मैं फिर से मैंने रेस के ऊपर पूरा हाथ रखा हुआ है ये आप लोग देख सकते हैं साइड पर मैंने रेस के ऊपर पूरा हाथ रखा हुआ है लेकिन नहीं भाई ये गाड़ी नहीं जा रही ये पूरी पूरी गाड़ी मुड़ चुकी है और नीचे की तरफ जा रही है तो भाई ये फेल्ड हो चुकी है भाई तो इसको टेस्ट करते हैं टोयटा वालों की एक गाड़ी में मसला आ गया है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा करेगी लेकिन बस हो गया तो जी नेक्स्ट गाड़ी है टोयटा विड्स इसे टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं क्या ये गाड़ी ऊपर चढ़ पाएगी या नहीं पिछली दफ़ा ये इतना ज़्यादा ऊपर तो नहीं गई थी लेकिन चले देखते हैं ओके।, ओके 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 तो मेरे ख्याल से ये भी मुश्किल है ओके जी नेक्स्ट गाड़ी आ चुकी है सुजुकी वालों की ठीक है अब सुजुकी वालों ने जान के ये गाड़ियाँ अपनी सेंड की हैं तो देखते हैं भाई क्योंकि उनकी जो दूसरी गाड़ी है वो तो नहीं चढ़ पाई क्योंकि भाई अब टोटा वालों की छोटी गाड़ियाँ तो नहीं चढ़ पाई अब देखते हैं क्या ये चढ़ पाती है ये नहीं ओके तो लेट्स सी देखते हैं जानी तो चाहिए ऊपर ओके तो वैगनार तो जा रही है होपफुली जाएगी ये ऊपर ओके क्योंकि ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वृक्ष यहाँ तक गई है इससे अभी भाई क्या हो रहा है चल 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 जोर लग रही है भाई कोशिश कर रही है आ, स्लिपिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है ग्रिप इतनी अच्छी नहीं है वैगनार की आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्लिप हो रही है लेकिन बाइक आप लोग देख सकते हैं वर्स नहीं गई लेकिन ये गाड़ी ऊपर पहुंच चुकी है भाई हर दफ़ा यार खुश कर देते हैं सुजुकी वाले इन लोगों ने जान के अपनी ये गाड़ी सेंड की है ताकि ये टोयटा वालों को दिखा सकें लेकिन भाई अब इसकी भी बात सो चुकी है एक सेकेंड एक सेकेंड फिर से टायरों की ग्रिप बिल्कुल भी अच्छी नहीं है सुचकी वालों बिल्कुल अच्छी नहीं है उसकी टायरों की ग्रिप अच्छी कर लें ओके तो मैं एक दफ़ा गाड़ी को सीधा कर लूँ क्योंकि गाड़ी पूरी स्लिपिंग हो रही है ओके ओके तो मैं पीछे रिवर्स कर लेता हूँ एक दफ़ा एक सेकेंड एक सेकेंड तो आप लोग देख सकते हैं रिवर्स करके ये गाड़ी जा रही है भाई लेकिन ओके एक दफ़ा सीधी हो जाए तो शायद शायद ये गाड़ी पहुँच सकती है ऊपर ओके ओके जा सकती है भाई जा सकती है ओके तो भाई मुश्किल है बहुत मुश्किल है क्योंकि इसकी टायरों की ग्रिप जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं है वैगनार की लेट्स ये देखते हैं जी सेकंड जी आ चुकी है हमारी जो सुजुकी कल्टस बिल्कुल स्टॉक हालत में है okay ओके जी इस गाड़ी को देखते हैं ये कितना ऊपर तक जाएगी ये भी थोड़ी सी कह लें कि सुजुकी वालों को ढीठ गाड़ी है चढ़ जाएगी और देखते हैं भाई कितनी ऊपर तक ये जाती है ये गाड़ी मैं कहता हूँ आधे तक भी चली जाए तो ठीक है ओके okay, तो भाई ये जा रही है ओके चढ़ रही है चढ़ रही है जा रही है जा रही है अबे नहीं 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 चल 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 ये yeah, इनकी ना सुजुकी वालों के ना टायरों की ग्रिप इतनी अच्छी नहीं है ओके तो ये गाड़ी भी फेल हो चुकी है भाई ये भी नहीं जा रही ऊपर तो बस ठीक है थोड़ी दूर तक ही गई है ओके लेकिन गुड है यार फिर भी गुड है इतना भी कार्य है मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है ओके जी नेक्स्ट गाड़ी आ चुकी है हमारे पास अल्टो अब मेहरान के बाद काफ़ी ज़्यादा ये गाड़ी चल रही है पाकिस्तान में तो लेट्स सी देखते हैं ये कितनी ऊपर तक जा पाएगी या नहीं आई होप जानी तो चाहिए छोटी गाड़ी ओ भाई आप लोग देख सकते हो कितनी तेज़ गाड़ी है ये तो अबे वाह यार आए हाय 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 जा रही है जा रही है यार बस टायरों की ग्रिप जो है ना वो अच्छी नहीं है बाकी आप लोग आल्टो को देख सकते हो भाई मक्खन की तरह जा रही है यार स्टार्ट अच्छा लिया इसने ओके ओके लेट्स सी लेट्स सी थोड़ा सा रह गया थोड़ा सा रह गया बस चढ़नी तो चाहिए इस गाड़ी को ऊपर अबे भाई साहब ये क्या हो गया भाई टायरों के पास ग्रिप ये अच्छी गाड़ी है बाकी गाड़ी ए वन है आप लोग भाई देख सकते हैं भाई अल्टो पहुंच चुकी है वैगनार नहीं पहुंची भाई कल्टस नहीं पहुंची सुजुकी मेहरान भी नहीं पहुंची भाई अल्टो में भाई पावर है भाई अबे भाई, भाई 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 क्या हो गया भाई कुछ ज़्यादा ही तरीफ़ कर दी मैंने एक सेकेंड एक सेकेंड कुछ ज़्यादा ही तारीफ मैंने कर दी इस गाड़ी की और स्लिप हो गई है एक सेकेंड लेकिन पहुँच गई ये गाड़ी ओके तो फाइनली ये गाड़ी पहुंच चुकी है और आगे से बोनट ये इसका फारिक हो चुका है ओके जी अपनी सिटी गाड़ी आ चुकी है तो अब देखते जी सिंपल सिटी है कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई ठीक है आप लोग देख सकते हैं और देखते हैं भाई क्योंकि भाई होंडा वालों ने तो नाराज़ नहीं किया पिछली दफ़ा भी नहीं नाराज़ किया था उन्होंने पिछली दफ़ा भी इनकी गाड़ी ऊपर तक गई थी और लेट्स सी इस दफ़ा देखते हैं क्या इनकी गाड़ी भाई पहुंच पाती है या नहीं ऊपर ये वाली सिटी बिल्कुल मैं कहता हूं कि स्टॉक हालत में है ओके तो जा रही है भाई स्पीड चेक कर रहे हैं भाई गाड़ी की आप अबे भाई दूसरे गेट के ऊपर आप देख सकते हो सो के ऊपर गई है भाई गाड़ी इसको तो भाई कोई परवाह ही नहीं है भाई होंडा वाले कर क्या रहे हैं वैसे लगता है होंडा वाले ने जान के ये अपनी गाड़ियाँ सेंड कर रहे हैं ताकि ये टोटा वालों को कुछ बता सके ओके तो भाई गाड़ी को कोई परवाह ही नहीं है भाई तो चेक कर सकते हैं भाई होंडा सिटी तो ऊपर मक्खन की तरह गई है यार एंड हो गया यार होंडा वालों हमेशा यार मुझे खुश करते हो इस दफा भाई सुजुकी वालों ने भी ना मुझे सरप्राइज़ दिया छोटा सा ओके okay जी तो आखिरी गाड़ी है शराब बिल्कुल स्टॉक हालत में है और देखते जी शरा चढ़ पाती है या नहीं होपफुली वैसे चढ़ना तो चाहिए आ, सुजुकी से काफ़ी अच्छी है और आई थिंक वैगनार से भी मुझे उम्मीद तो है कि वैगनार को कंपीट करेगी क्योंकि वैगनार तो भाई धोखा देगी थी ओके तो ये चढ़ चुकी है गाड़ी ऊपर अगले बम्पर की ऐसी की तैसी हो चुकी है ओके तो देखते जी शरा ऊपर तक जा पाती है या नहीं लेकिन मेरे ख्याल से शराब की इधर ही बस होने वाली है ओके okay. नहीं नहीं भाई जा रही है जा रही है जापानी गाड़ी है भाई जानी तो चाहिए वैसे ऊपर ओके okay. टायरों की ग्रिप भी बस ठीक ठाक ही है लेकिन पावर है पावर है भाई वैगनार नहीं पहुँच पाई थी इतनी ऊपर लेकिन भाई ये पहुँच गई है ओके ओके लेट्स सी लेट्स सी नहीं भाई दो खाना दो दो खाना दो ओके ओके चढ़ो चढ़ो भाई इतना इतना अभी नहीं भाई ये नहीं भाई सर्वाइव नहीं कर पाएगी ये गाड़ी एक सेकंड फिर से कोशिश करते हैं आप लोग देख रहे हो मैंने रेस के ऊपर फुल हाथ रखा रखो लेकिन गाड़ी के टायर जो है फुल मैं कहता हूँ कि स्पिन हो रहे हैं और उसकी बस हो चुकी है ओके एक तो दफ़ा फिर से ट्राई करता हूँ तो नहीं भाई शराब भी भाई नहीं पहुँच पा रही ऊपर एक सेकेंड यार नहीं भाई ये नहीं पहुंच पाएगी ओके जी इसे भी नीचे उतार लिया शरा को लेकिन शराब के भाई धुएँ निकल आए शराड ऊपर नहीं पहुंच पाई कुछ गाड़ियाँ सर्वाइव कर पाई हैं कुछ नहीं तो इनमें से जी एक शराड है एक V8 एट वालाड है वैगनार भी धोखा दे गई है अपना ये तो भाई इसने वैसे भी धोखा दे दिया अभी भी देखे ना ये जाम हो चुका है इसका इंजन बिल्कुल जाम हो चुका है गाड़ी भी आगे जा ही नहीं रही थी और कल्टस ने भी बस ठीक ठाक ही किया लेकिन भाई अल्टो ने हैरान किया है तो होपफुली यार आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई है अगर आज की वीडियो पसंद आई तो भाई दबा के लाइक्स दो और कमेंट भर दो यार और अगर आप लोगों को कोई और टेस्ट चाहिए तो भाई मुझे कमेंट्स के नीचे बताओ ठीक है मैं एक और टेस्ट लेके आऊँगा और ये हर वीकेंड पे आती रहेगी अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा आया तो तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत सा ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़